If anyone who is going door to door, he himself will be prosecuted and tried and punished because that is a violation of our policy. But I can assure you there are many reports by our opponents claiming what is not based on realities. तालिबान की जीत के बाद अब तक तो अफ़गानिस्तान में पहले से ज़्यादा अमन दिखाई दे रहा था लेकिन शायद मुल्क के हालात फिर से बदल रहे हैं क्योंकि लगभग रोज़ाना ही तालिबान और आई दोनों ग्रुप्स के लड़ाकों को हमला का सामना करना पड़ रहा है कई अफगान मामलों पर नज़र रखने वाले जानकार अफ़गानिस्तान में बढ़ रहे इन हमलों को मुल्क में एक नए सियासी तमाशे की शुरुआत के तौर से देख रहे हैं इस्लामिक स्टेट का इल्ज़ाम है कि तालिबान धोखेबाज हैं क्योंकि वो इस्लाम को लेकर कट्टर नहीं हैं वहीं दूसरी तरफ तालिबान आई पर मजहब को बदनाम करने और एक्सट्रीमिस्ट होने का इल्ज़ाम लगाते हैं आई जिसे लोकल लेवल पर लोग दाइश कहते हैं उसके लड़ाके अब तालिबान पर हमला करके छिप जाने की रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं इससे पहले अफगानिस्तान की पुरानी सरकार पर हमले करने के लिए तालिबान ने भी इसी तरह की कामयाब स्ट्रेटजी को अपना चुका है जिसमें सड़कों के किनारे बॉम्ब लगाना और छिपकर हत्याएं करना शामिल था आई एस को तालिबान का कट्टर विरोधी माना जाता है इसी साल अगस्त के महीने में आई एस ने काबुल में मौजूद एयरपोर्ट के बाहर एक सुसाइडल बम धमाकों को अंजाम दिया था जिसमें तकरीबन डेढ़ सौ लोगों की मौत हो गई थी ये दोनों ही ग्रुप यानी तालिबान और आई अब एक दूसरे के साथ खूनी स्ट्रगल में उलझ गए हैं जिसकी आज जलालाबाद में महसूस करी जा रही है अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर नांगरहार सूबे में है और आज कल लगभग हर दूसरे तीसरे दिन अफगानिस्तान के ईस्ट में बसे इस जलाबाद शहर के बाहरी इलाकों में सड़कों के किनारे लाशें देखी जा रही हैं और इन लाशों के पास हाथों से लिखे नोट्स रखे गए हैं जिनमें लिखा हुआ है कि इनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट आई की अफगानिस्तान ब्रांच से था ये वो बर्बर हत्याएं हैं जिनकी अब तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है लेकिन माना जा रहा है कि इन हत्याओं के लिए तालिबान जिम्मेदार हैं वैसे तो पब्लिकली तालिबान इस्लामिक स्टेट के खतरे को कम करके बताते रहे हैं उनका कहना है कि अफगानिस्तान में अब जंग खत्म हो चुकी है और वो अफगानिस्तान में अमन और सिक्योरिटी कायम कर रहे हैं और तालिबान के इस मकसद को जो कमजोर करने की कोशिश कर रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा I think, uh, Everything, but uh, we say एवरी थिंग बैट बी सी दस्ट इज दी पार्ट ऑफ द part of our past history. Now we want to focus on future. अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कई सबूत होने के बावजूद तालिबान दावा करते हैं कि मुल्क में ऑफिशियल तौर पर इस्लामिक स्टेट की मौजूदगी नहीं है तालिबान के मुताबिक दायश नाम सीरिया और इराक की तरफ इशारा करता है और अफगानिस्तान में दायश नाम का कोई ऐसा रिबेलियन ग्रुप मौजूद नहीं है तालिबान सरकार से जुड़े हाई लेवल के ऑफिसर्स और नेता कहते हैं कि वो इन लड़ाकों को धोखेबाजों का ऐसा ग्रुप मानते हैं जिन्होंने इस्लामिक सरकार के खिलाफ बगावत करी है दरअसल जानकारों का मानना है कि ना सिर्फ आई एस ऑफिशियल तौर पर अफ़गानिस्तान में मौजूद है बल्कि इस ग्रुप ने मुल्क के पुराने नाम का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के लिए अपनी एक अलग ब्रांच भी बना ली है जिसका नाम है इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी आई एस के इस ग्रुप ने सबसे पहले 2015 में अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी और उसके बाद आने वाले सालों में घातक हमलों को अंजाम दिया था लेकिन तालिबान के एक बार फिर सत्ता में आने के बाद इस ग्रुप ने ऐसे इलाकों में सोसाइडल हमलों को अंजाम देना शुरू कर दिया है जहां इनके लड़ाके पहले कभी नहीं जाते थे इस महीने की शुरुआत में इस्लामिक स्टेट ने अफगानिस्तान के उत्तर में बसे कु शहर में शिया माइनॉरिटी कम्युनिटी की मस्जिदों पर और तालिबान का गढ़ माने जाने वाले कांदाहार पर कई हमले किए हालांकि तालिबान जोर देकर कहते हैं कि फिक्र की कोई बात नहीं है अगर धोखेबाजों का एक छोटा सा ग्रुप सिर उठा रहा है और इस तरह के हमले कर रहा है तो अल्लाह ने चाहा तो जिस तरह हमने लड़ाई के मैदान में 52 देशों के गठबंधन को हराया है उन्हें भी हरा देंगे लेकिन दोस्तों हकीकत यही है कि सालों तक जंग और खून खराबा देख चुके अफगान वेस्टर्न कंट्रीज और अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क इस्लामिक स्टेट के पैर पसारने को लेकर काफ़ी फिक्रमंद हैं अमेरिकी ऑफिसर्स पहले ही फिक्र जाहिर कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट विदेशी मुल्कों पर हमले करने के लिए छह महीने से एक साल के अंदर पूरी तरह तैयार हो सकता है वैसे तो फिलहाल इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा नहीं कर पाया है इससे पहले आईएस ने नंगरहार और कुनार सूबों में अपना बेस बना लिया था लेकिन तालिबान और अमेरिकी हवाई हमलों की मदद से अफ़गान सेना ने उसे यहां से बाहर खदेड़ दिया था तालिबान के मुकाबले इस ग्रुप में अब कम ही लड़ाके हैं जहां तालिबान के सत्तर हज़ार मेंबर्स हैं जो अब अमेरिकी हथियारों से लैस हैं वहीं दूसरी तरफ आईएस के लड़ाकों की तादाद कुछ हज़ार लड़ाकों तक ही सिमटकर रह गई है लेकिन जानकार इस बात का डर भी जता रहे हैं कि आई मुल्क में मौजूद दूसरे सेंटर एशिया और पाकिस्तानी लड़ाकों को अपना मेंबर्स बना सकते हैं साथ ही यह भी डर है कि अगर आने वाले वक्त में तालिबान के मेंबर्स में मतभेद हुआ और यह ग्रुप टूटा तो नाराज तालिबानी भी आई का दामन थाम सकते हैं दूसरी तरफ अमेरिका को उम्मीद है कि वो इस्लामिक स्टेट को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान के बाहर से हमले करना जारी रख सकेगा हालांकि अमेरिका की इस उम्मीद को लेकर तालिबान में ज़्यादा जोश नहीं है और उनका मानना है कि वो अकेले ही इस्लामिक स्टेट का मुकाबला कर सकते हैं वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ शुरू हुए इस नए सियासी तमाशे पर करीब नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई लड़ाके इस्लामिक स्टेट छोड़कर तालिबान और पाकिस्तान तालिबान में शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान तालिबान तालिबान से जुड़ा ही एक ग्रुप है लेकिन कहा जाता है कि उनसे अलग भी है जानकारों ने अक्सर लिखा है कि तालिबानी ऑफिसर्स को तमाम बार मुस्कुराते हुए इस्लामिक स्टेट को लेकर यह कहते हुए सुना गया है कि हम उन्हें अच्छे से जानते हैं और वो हमें बहुत बढ़िया से जानते हैं तो दोस्तों कुछ ही दिन पहले नंगरहार में आई के दर्जनों लड़ाकों ने तालिबान की फौज के सामने सरेंडर कर दिया है से जो पहले से तालिबान में शामिल थे उन्होंने बताया कि इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के बाद उनका माया जाल से आजादी यानी डिस से मोह भंग हो गया है जबकि यहाँ तालिबान बार बार इस बात पर जोर देता है कि उनका मकसद अफगानिस्तान में इस्लामिक अबीरात कायम करने का है वहीं इस्लामिक स्टेट के इरादे ग्लोबल लेवल पर पैर फैलाने के हैं तालिबान के मुताबिक आई दुनिया भर में सभी के लिए खतरा है वो पूरी दुनिया पर हुकूमत चाहते हैं लेकिन उसके कहने और करने में काफी फर्क है इसलिए कई जानकार और साथ साथ तमाम अफगान सिटीजन आई के बढ़ रहे हमलों को अफगानिस्तान में एक नए सियासी तमाशे की शुरुआत के तौर से देख रहे हैं I think uh, our, our people uh, suffered a lot, bloodshed, destruction, everything. But uh, we say the past is the past story, a part of the, our uh, part of our past history. Now we want to focus on future. Jai -hin. सत्य मेव अल्लाह हाफिज दोस्तों हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो डब्ल्यू 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 पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर मेरा ट्विटर हैंडल है एट द रेट ऑफ अर्शी अजीज खान थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में